इंदिरा एकादशी व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे विशेष रूप से पितृ पक्ष के दौरान पितरों की शांति और मुक्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उनके आशीर्वाद की प्राप्ति की जाती है। पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने वाले लोगों के लिए इस व्रत का विशेष महत्व है। इंदिरा एकादशी व्रत पितृ पक्ष की अंतिम एकादशी होती है, जो इस बार 28 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष इंदिरा एकादशी 27 सितंबर को दोपहर 1:20 बजे से शुरू होगी और 28 सितंबर को दोपहर 2:49 बजे समाप्त होगी। उद्यातिथि के अनुसार व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। व्रत का पारण 29 सितंबर को सुबह 6:13 बजे से 8:36 बजे के बीच किया जाएगा, जो शुभ माना गया है। दो शुभ योग में मनाई जाएगी इंदिरा एकादशी। इस बार इंदिरा एकादशी व्रत पर दो विशेष योग बन रहे हैं, सिद्ध योग और साध्य योग। सिद्ध योग व्रत के दिन सुबह से रात 11:51 बजे तक रहेगा, जबकि साध्य योग उसके बाद शुरू होगा और पारण के दिन भी रहेगा। साथ ही व्रत के दौरान अश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जो 29 सितंबर की सुबह 3:38 बजे तक है। इसके बाद मघा नक्षत्र आरंभ होगा। इंदिरा एकादशी का धार्मिक महत्व। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रीहरि की कृपा से इस व्रत को विधिपूर्वक करने पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में भी इस एकादशी का उल्लेख है, जिसके अनुसार व्रत का पुण्य पूर्वजों के नाम पर दान करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी व्रत विधि। इस व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके उन्हें फूल, चंदन और धूप अर्पित करें। इंदिरा एकादशी की कथा सुनने के बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। पारण के समय फल और फूल चढ़ाकर भगवान विष्णु को प्रसाद चढ़ाएं। यह दिन धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है और विष्णु पूजा करने से धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत में आहार नियम। एकादशी के दिन उपवास के दौरान फलाहार या जलाहार किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही दान पुण्य करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण। इंदिरा एकादशी का पारण 29 सितंबर को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए स्थानीय पंचांग का अवलोकन करें। इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष का एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को रखने से पितरों को मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।